सो आज का जो वीडियो है बेसिकली जैसा आपने देखा है टॉपिक में, इट इज़ ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स एंड हाउ किड्स कैन रिमेंबर इट वेरी करेक्टली. सो इट इज़ अबाउट दैट. सो देर आर थ्री गेम्स विच आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू टूडे. प्लीज़ फॉलो इट. अगर इसमें से तीन में से दो गेम भी करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, या सबसे आसान गेम जो पेंट ब्रश का गेम मैं बताऊँगी वो सबसे आसान है, वो भी आप कर सकते हैं. और प्लीज़ इस गेम को देखिए, इसका डेमो आप प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी हाउ माई डॉटर राजवी कैसे इन सारे गेम्स को बहुत इन्जॉय करती है, और वो करती है, और आपका बच्चा भी इस गेम को इन्जॉय करते हुए सारे लेटर फॉर्मेशन करेक्टली सीखेगा. अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा बोलने के साथ साथ या लेटर को रिकॉग्नाइज करने के साथ साथ उसको फॉर्मेशन भी उसको अच्छे से याद रहे, तो ये वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट ओनली. And I would request you to please watch the video full so that अगर आपके बच्चे ढाई तीन साल के फेज में हैं और अभी आप उनको लिखाना शुरू करना चाहते हैं, दिस इज़ अ सिंपल गेम विच आई हैव बॉट फॉर यू. और ये बहुत ही सिंपल गेम है, ये आप खेल खेल में बहुत ही फन ढंग से बच्चों को फॉर्मेशन याद भी दिला देंगे, उनका हाथ का ग्रिप भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा, लेटर फॉर्मेशन का जो ग्रिप चाहिए वो बहुत ही अच्छा मजबूत हो जाएगा, बिकॉज जो जो चीज़ मैं इसमें इस गेम में यूज़ कर रही हूँ उसके कारण आपके बच्चे का हैंड ग्रिप बहुत अच्छा हो जाएगा, कॉलर पेंसिल ग्रिप बहुत ही अच्छा हो जाएगा, मोटर स्किल बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा डेवलप हो जाएगा, और ओवरऑल एक कंसंट्रेशन और फोकस्ड अप्रोच डेवलप होगा बच्चों का. तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए. और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मॉमीलॉजी विद रेनू इंटायरली रिवॉल्व्स अराउंड चाइल्ड केयर, चाइल्ड एजुकेशन, मदर एंड देयर नीड्स. प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं. और चलिए आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए वीडियो शुरू करती हूँ. तो मेरा पहला गेम है ये, मैं इस तरह का, आपको शायद उल्टा दिख रहा होगा, तो इस तरह के आप नंबर्स एक पेपर में अच्छे से लिख लीजिए. इस तरह के पेंट मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है. इस तरह के पेंट और इस तरह के ब्रश को आप यूज़ कीजिए, थोड़ा मोटा थोड़ा पतला चलेगा, बट बेटर है जिससे अच्छा ग्रिप हो, थोड़ा मोटा रहे तो बहुत ही अच्छा, उससे अच्छा ग्रिप होता है बच्चों का, और बच्चों की मसल्स उतने मैच्योर नहीं है, उतने डेवलप नहीं है, तो वो पतले पेंसिल या पतले ब्रश को पकड़ने में उनको बहुत प्रॉब्लम होता है. तो कोशिश कीजिए मोटा यूज़ करने के लिए. मैं यहाँ थोड़ा पतला ली हुई हूँ मगर आप मोटा ही यूज़ कीजिए. तो इस तरह का ये मैंने पेंट लिया है. अब कोई भी एक कलर, सपोज़ मैंने ग्रीन, अब ये किस तरह से अपन खेलेंगे, मैं आप सभी से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ. इस तरह से मैंने राजवी को सिखाया और राजवी ने बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन सीखा और रिकॉग्नाइज भी बहुत ही अच्छा करती है. तो सिंपल हम लोग ये गेम खेलते थे. ये गेम इतना इंटरेस्टिंग है कि इससे आपके बच्चे को, तो ऐसे भी बच्चों को वाटर कलर या पेंट का बहुत शौक होता है, तो ये इतना इंटरेस्टिंग गेम है कि बच्चे इससे इंगेज भी रहते हैं, बहुत देर तक आप खेल भी सकते हैं, और खेल खेल में आप उनको नॉलेज भी गेन करा देंगे. तो सपोज़ इस तरह का मैंने एक चार्ट बनाया है, तो सपोज़ मैं यहाँ से पेंट कर दी, ऐसा ही एक ब्रश राजवी के पास रहता है, वो कोई भी कलर या यही कलर कैसे भी, अब वो फॉरवर्ड करती है, ये उसका टर्न है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको टर्न देती हूँ ताकि वो पूरा ब्रश करके इस लेटर को कंप्लीट करे. तो इस लेटर को करने के जो प्रोसेस में वो लेटर रिकॉग्नाइज भी कर पा रही है, वो लेटर के बारे में मुझे बता भी रही है, वो लेटर, ये लेटर क्या है वो आराम से बोल भी पा रही है, साथ में उसका जो ग्रिप है वो भी डेवलप हो रहा है. ये बच्चों को बहुत इंगेज करता है इस तरह का एक्टिविटी. दो तीन पॉइंट्स को आप बस ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका लिखने का दीजिएगा. अगर जैसे कि अगर मैं ये चाहती तो मैं ये पूरा ही कर लेती मगर मैंने आधा करके छोड़ दिया. तो सेम इज़ अप्लाइड हेयर. मैं यहाँ थोड़ा सा करूँगी, कोई भी कलर लीजिए, थोड़ा सा करूँगी, फिर मैं राजवी को ही कंप्लीट कर देती हूँ, फिर मैं यहाँ थोड़ा सा कर दी. और कोशिश कीजिए कि एंड जो है वो बच्चे के हाथ में ही रहने दीजिए, उन्हें एक सेंस ऑफ प्राउड फील होता है कि मैंने ये पूरा चीज़ किया, साथ में वो सीखते हैं. और मैंने अक्सर राजवी को देखा है आफ्टर कंप्लीटिंग शी विल से आई, तो दैट इज़ हाउ वी वॉन्ट कि वो बच्चे रिकोगनाइज करे लेटर को. तो ये बहुत ही अच्छा एक इंटरेस्टिंग गेम है, आप बच्चों के साथ आराम से खेल सकते हैं, 15-20 मिनट आधा घंटा आराम से आप इसमें किल कर सकते हैं. नौ हम लोग अब सेकेंड गेम पर आएंगे. इस तरह के कुछ ग्लिटर वायर्स मिलते हैं, ये आपको किसी भी अच्छे क्राफ्ट शॉप में मिल जाएगा, ऑनलाइन भी इजीली अवेलेबल है. इसके पीछे बेसिकली प्रिंसिपल क्या है, इसको बेंड करना बहुत आसान होता है, तो ये बहुत लाइट है, बच्चे भी आराम से बेंड कर सकते हैं. ये वायर है ये पूरा ही कवर्ड है, ये दिस इज़ नॉट हैजार्डियस ऑल्सो. एंड थर्डली ये ग्रिपिंग के प्रोसेस में हमारा जो ये हाथ का मूवमेंट हो रहा है बच्चों का, ये उससे बहुत ही अच्छा डेवलप होगा. और फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चे लेटर फॉर्म करना सीखेंगे, उनका क्रिएटिविटी डेवलप होगा, उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा डेवलप होगा इससे. तो इसको कैसे यूज़ करना है मैं समझाती हूँ. सपोज मैंने राजवी को ये 7 नंबर दिखाया, अब मैं बोलूँगी राजवी चलो इससे हम लोग 7 नंबर बनाएंगे. ये देखिए, आप कोई भी एक कलर का वायर लीजिए, बच्चे को बहुत पसंद आता है क्योंकि ये बहुत ग्लिटरी है, बहुत ही अच्छा लगता है. इसको इस तरह से बेंड कीजिए, अब आप इसको रोल कीजिए, बच्चे भी ये धीरे धीरे सीखेंगे, उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ही अच्छा है. ये हो गया, अब सिंपली आप उनको एक 7 बना के दिखाइए. सो दिस इज 7.
सो बच्चे बहुत खुश होते हैं अपने से बना के भी. स्टार्ट विथ सिंपल सिंपल लेटर्स एंड नंबर्स 1, 7, जिसमें ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है. आप देखिएगा बच्चे खुद ही धीरे धीरे ये अपना, आप अगर उनको छोड़ भी देंगे, क्योंकि अभी राजवी इज 3.5, तो अगर मैं उसे कभी छोड़ भी देती हूँ, इनकी अगर मैं किचन में बिजी हूँ या आई एम इंगेज समवेयर, तो अगर मैं उसे दे देती हूँ तो खुद ही खुद ना कुछ कुछ ना कुछ पैटर्न बनाते रहती है, कुछ ना कुछ नंबर. अगर मैं कुछ दे दूँ खेल खेल में ही उसे कुछ दे दूँ तो वो बनाते रहती है. तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों को इंगेज करने का, बच्चों में कुछ क्रिएटिविटी डेवलप करने का. और आप देखेंगे ये बच्चे बहुत इंजॉय करके बनाते हैं. तो दिस इज़ माई सेकेंड गेम विच आई वुड रिकमेंड यू. थर्ड गेम के लिए मैंने ये ऑनलाइन कुछ स्टैम्प्स मंगाए हैं. अब इसमें डिफरेंट तरह, बच्चों को वैसे भी इस तरह के स्टैम्पिंग वर्क बहुत अच्छे लगते हैं. तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ स्माइल्स बने हैं, कुछ स्टार्स बने हैं, म्यूजिकल है, फ्लावर है. तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं और इसको देख के राजवी बहुत खुश होती है लेटर्स को फॉर्म करने में स्टैम्प करके और नंबर्स को. तो लेट्स सी हम लोग कैसे खेलते हैं ये. दिस इज़ नंबर 2, O or 0, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल, एंड दिस इज़ लेटर बी. दिस विल बी अगेन अ टर्न वाइज गेम. मैं एक स्टैंप लूँगी, राजवी एक स्टैंप लेगी, दो बच्चे भी करा सकते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, दो बच्चे अगर करेंगे तो उनके अंदर एक कंपटीशन की, एक हेल्दी कंपटीशन की भावना आती है कि हमें ये कंप्लीट करना है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जैसे कि मैंने ये स्टार स्टैंप लिया है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट मैं बोलूँगी राजवी यू स्टैंप, और मैं उसे सिखाने के लिए खुद स्टैंप कर देती हूँ. ये हो गया इस तरह से. पहले आपने बच्चे को दिया स्टैंप करने के लिए, हैप्पी. सेकेंड स्टैंप आप कर दो, थर्ड, फोर्थ. इसको और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दूसरा स्टैम्प लीजिए. तो इस तरह से बच्चे भूलेंगे नहीं, वो लेटर फॉर्मेशन भी सीख रहे हैं और साथ में एक खेल और एक एक्टिविटी भी चल रही है उनकी. उनको साथ में ये भी मैं बताते रहती हूँ राजवी को कि राजवी विद इन द बाउंड्री, विद इन द लाइन यू हैव टू स्टैम्प. तो इस तरह से उसका बहुत ही अच्छा हैंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है इसको पकड़ने से, क्योंकि ये काफ़ी थिक है. तो इसको पकड़ने से बच्चों का जो ये पेंसिल ग्रिप होता है ये बहुत ही अच्छा डेवलप होता है. तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू दिस. ये वैसे भी अगर आप लेटर भी नहीं करा रहे हो तो सिंपल एक प्लेन पेज या पेपर या एक न्यूज़पेपर ही लेके उस पर भी आप स्टैंपिंग की गेम खेल सकते हैं. क्योंकि बच्चे इनिशियली जब 2.5 साल 3 साल के होते हैं स्क्रिबलिंग ज़्यादा करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है ग्रिप डेवलप करने का और साथ में उनका मसल्स को मजबूत करने का. सो लाइक दिस हम लोग खेलते हैं. वी स्टार्ट पुटिंग लाइक दिस. जब मैं राजवी को इनिशियली जब मैं उसे ABCD सिखाती थी और जब मैं लिखाने पे लाती थी, तो आई ऑल्सो फेस द सेम प्रॉब्लम. तो मुझे लगा कि वाई नॉट मेक अ वीडियो ऑन इट, बिकॉज ये है तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम, बट बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है. क्योंकि मैंने खुद राजवी के केस में देखा था कि समटाइम्स वो बी को डी बोल दे रही है, या नॉर्मली जो होता है स्मॉल बी स्मॉल डी में कन्फ्यूजन होता है. तो ये एक रिमेंबर कराने का बहुत ही अच्छा तरीका है. बच्चे भूलेंगे नहीं कि लेटर का फॉर्मेशन क्या है, किस तरह से हो रहा है. टाइम किल करने का बहुत ही अच्छा एक्टिविटी. अभी पैंडेमिक का समय है, सब घर पे रहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एक गेम है. बच्चे स्टैम्प खेल, दो बच्चे मिलके और भी अच्छा खेल सकते हैं. तो ये दिस वीडियो वॉज ऑल अबाउट दैट. आप सभी को गाइड करना चाह रही थी कि ये मैंने अपने घर में यूज़ किया है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया. आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा. सो अगर आप चाहते हैं इसका डेमो देना, प्रैक्टिकल डेमो विथ राजवी, तो प्लीज़ मेरे नेक्स्ट वीडियो को चेकआउट कीजिएगा. मैं बेस्ड ऑन दिस गेम आपको मैं दिखाऊंगी कि राजवी कैसे करती है. तो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, एंड इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. आई विल बी वेरी ग्रेटफुल इफ़ यू सब्सक्राइब, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन गिव्स मी लॉट ऑफ मोटिवेशन टू वर्क हार्डर एंड हार्डर एंड कम अप विद बेटर आइडियाज़ एंड बेटर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़. तो आज के लिए इतना ही. आप सभी को नमस्ते, एंड प्लीज़ स्टे सेफ़.